हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज दिव्या अग्रवाल। सो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज विद एक्यूरेसी। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईआईटी जैम के स्टूडेंट हो, जेई के हो, गेट के हो, या किसी और सीए के एग्जाम के हो, या किसी भी एग्जाम के अगर आप हो, तो आपको पता है कि जो हमारे एग्जाम का लेटेस्ट पैटर्न है वो है गाइज एमसीक्यूज। अगर मैं स्पेसिफिकली आईआईटी जैम की बात करूंगी तो आईआईटी जैम में हम तीन तरह के क्वेश्चन से को सॉल्व करना होता है हमें, दैट इज एमसीक्यूज, एमएसक्यूज एंड नैट्स। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल टेल यू एग्जैक्टली कैसे आप एमसीक्यूज को 100% एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व कर सकते हो। एंड अगेन मैं यही बात करूंगी, मैं यही कहूंगी आपको कि इस टेक्निक को आप आजमाना, ट्राई एंड देन कम बैक टू द वीडियो, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि येस इट हैज हेल्प, बिकॉज डेफिनेटली आई एम 100% श्योर दिस विल हेल्प, बिकॉज सारे के सारे आपके रिसर्च प्रूवन तरीके हैं एंड सारे के सारे साइकोलॉजिकल तरीके हैं। सो अगर हम सबसे पहले देखते हैं गाइस, तो अगर मैं एग्जैक्ट ट्रिक्स बताना चाहूँ आपको टू सॉल्व एमसीक्यूज, तो सबसे पहले तो चीज़ है ये कि वो है कि डोंट फॉलो द सीक्वेंस। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है तो स्टूडेंट का सबसे पहले साइकोलॉजी ये होती है कि या तो वो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर स्टार्ट किया लास्ट तक चले गए, या फिर वो लास्ट से शुरू करते हैं, लास्ट से शुरू किया और ऊपर तक चले गए। तो आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि जो एग्जाम का पैटर्न देखा गया है, पैटर्न ऐसा होता है कि जो हमारे एग्जामिनर्स हैं जिन्होंने पेपर सेट किया हुआ है, वो इस तरह से होता है कि या तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन बेहद हार्ड डाल देंगे, टफ डाल देंगे, या फिर लास्ट के 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन थोड़े से टफ डालते हैं। रीजन ये होता है कि अगर स्टूडेंट ने उस सीक्वेंस में फॉलो किया तो शुरुआत से उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, बिकॉज अगर आप शुरुआत से ही क्वेश्चन देख रहे हो और आपको लग रहा है कि ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में जब आप उस हॉट सीट में होते हो तो प्रेशर बढ़ने लगता है, और इस प्रेशर की वजह से जो बहुत ही बीच में क्वेश्चन ईजी होते हैं उनको भी हमें लगता है कि ये भी डिफिकल्ट है। तो कभी भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है, आपको एक 3-लेयर फॉर्मूला को यूज करना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। 3-लेयर फॉर्मूला क्या है गाइज, कि आप अपने एग्जाम को अपने अकॉर्डिंग, मतलब वो आपके 2 आवर का एग्जाम है, 3 आवर का एग्जाम है या 1 आवर का एग्जाम है, उसको 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दो। मैंने डिवाइड किया है फर्स्ट फ्रेगमेंट 1 आवर, सेकंड फ्रेगमेंट 1.5 आवर एंड थर्ड फ्रेगमेंट दैट इज इन रेड कलर दैट इज 30 मिनट्स। तो फर्स्ट फ्रेगमेंट में मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर, जैसे कि आपको पता है अब तो हमारा ऑनलाइन होता है तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेंगे, और एक बार पूरा देखेंगे ऐसा नहीं, वो तो हम जब वर्चुअली देते थे, वर्चुअली नहीं फिजिकली देते थे पेपर को, तो उस वक्त हम देख लेते थे एक बार, थोड़ा देख लिया पेपर। अभी तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे ऑनलाइन में, हम बस क्वेश्चन को रैंडमली देखते रहेंगे। जैसे फर्स्ट किया, अगर मुझे आ रहा है, नहीं मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, छोड़ा, तो फर्स्ट 1 आवर में हमको सारे वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं जिनमें हम 100% एक्यूरेसी, हमको लगता है कि 100% हम इसका आंसर सही बता पा रहे हैं, 100% हम श्योर हैं कि ये मुझे आता ही आता है। 1 आवर में मुझे सारे वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं। फिर जो सेकंड फ्रेगमेंट है 1.5 आवर, उसमें मैं वो वाले क्वेश्चंस करूंगी जिसमें मुझको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है या थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद आएगा, आएगा पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और जिस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस कि मैं सॉल्व कर रही हूँ पर सॉल्व करते वक्त मैं बहुत ज्यादा अटक रही हूँ या मुझे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उसको हम टच भी नहीं करेंगे, जस्ट लास्ट के 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, और उसको देख के प्रेशराइज भी नहीं हो रहा है। तो आपको क्या बताया, सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है, 3-लेयर फॉर्मूला, फर्स्ट 1 आवर में हर वो क्वेश्चन सॉल्व कर लो जो आपको लगता है बहुत आसान है। 60, अगर हमारे टोटल 60 क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 30 to 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विद इन एन आवर बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फिर 1.5 आवर में आपके वो हॉट क्वेश्चन होंगे जिसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 22 to 25 क्वेश्चन आपके 1.5 आवर में सॉल्व होंगे। और फिर वो जो 5-6 क्वेश्चन होंगे जो हमको लगता है कि हमको बिल्कुल भी नहीं आ रहे, उन पर हम अपना आराम से 30 मिनट्स लगाएंगे, बिकॉज तब तक हम अपने एग्जाम में 65 या 75 मार्क्स लाने लायक स्कोर के हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके होंगे। तो हमें अपने एग्जाम में कितने मार्क्स लेके आने हैं, मैं सिंगल एंड डिजिट रैंक्स के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ। अगर आपको सिर्फ क्रैक करना है तो फिर आप आराम से 1 आवर का भी अगर करते हो, 1 आवर में जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको सॉल्व करते हो तो भी आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है, बट आपको पता है कि रैंक एंड अच्छी रैंक लाना अच्छी आईआईटीज में जाने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है, तो यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। सेकेंड चीज आपको क्या करनी है गाइस, आपको एमसीक्यूज की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो एमसीक्यूज में आपको एलिमिनेशन आना चाहिए, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो जो साइकोलॉजी है गाइस प्रोफेसर्स की एंड जो रिसर्च हुआ है वो ये है कि सबसे पहले आपको एक, जब आप 4 ऑप्शन देखोगे तो उनमें से आपको एक ऑप्शन एकदम ऑड वन आउट लगेगा या आउट फ्रेम लगेगा, तो उस ऑप्शन को सबसे पहले आप एलिमिनेट कर दोगे।
दूसरा जो साइकोलॉजिकल हैक है इसके पीछे या रिसर्च जो हुई है, जो मैंने एनालिसिस किया है और बाकी जितने भी लोगों ने एनालिसिस किया है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि जेई नीट या हमारे गेट के या जैम के पेपर्स को या डिफरेंट और भी पेपर्स को, तो उसमें ये देखा गया है कि हमेशा जो बहुत मतलब अगर हम किसी क्वेश्चन में गलत दिमाग लगाते हैं तो एकदम से जो आंसर आता है वो हमेशा ए होता है, हमेशा ए होता है। 50 to 40% वो डी बी होता है। तो अराउंड 70 to 80% जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका आंसर ए और डी नहीं देखा गया। ए और डी हमें लगता है कि है क्योंकि वो बहुत जल्दी से सॉल्व होता है, तो ए और डी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस करना है बीच के दो ऑप्शन पे, दैट इज बी एंड सी। तो ए एंड, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एलिमिनेट ऑप्शन, ऑड वन आउट को एलिमिनेट करो, या तो ए होगा या डी होगा पक्का। एलिमिनेट होने के बाद ए बी सी बचा या बी सी डी बचा। अब उनमें से आप देखो कि किसमें आपका थ्योरी लग रही है, किसमें आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से लगा पा रहे हो। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान से रखनी है, दिमाग लगा के रखना है इसके ऊपर। और तीसरी चीज गाइस ये है कि अगर आपको कहीं पे भी दिखता है ऑल ऑफ दी अबव, या अगर आपको कहीं पे दिखता है नन, या आपको कहीं पे भी लगता है मे बी या मे नॉट बी, इस तरह के अगर ऑप्शन आपको दिखते हैं, तो 90% विद इन दीज 4 to 5 years में जो पेपर का एनालिसिस है वो ये है कि विद इन दीज 5 years आंसर्स ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव या ये होने लगा है। पास्ट 5 years से पीछे अगर हम देखेंगे तो एग्जाम पैटर्न या पेपर्स को एनालिसिस करके पता चलता है कि ऑल ऑफ द अबव या नन ज्यादातर नहीं होता था, पर अब 90% ऑल ऑफ द अबव एंड नन ज्यादा है। तो अगर कहीं पे ऑल ऑफ द अबव एंड नन दिख गया तो अटेंशन, रुक जाओ, बाकी ऑप्शंस को एनालिसिस करो और देखो कैसे वो गलत हो रहे हैं। आपको हमेशा ये नहीं देखना कि कैसे वो सही हो रहा है, आपको हमेशा प्रूव करना है कि कैसे ये आंसर इससे मैच नहीं कर रहा, उससे आपको एक्यूरेसी एकदम पता चलेगी। बट अगेन 90 to 95% ये चीज मैच करती है। तो आप अपने जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो मेरी क्लास में आते हो ना अकेडमी पे या जहाँ पे भी, तो वहां पे आप देखो कि आप कैसे एक्यूरेसी से सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपको ऑड वन आउट को एलिमिनेट करना है, ऑल ऑफ दी अबव या नन ऑप्शन 90% सही हो सकता है, ए एंड डी को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। कोशिश करो इन द सेंस कि जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में एलिमिनेट करके छोड़ोगे, नहीं, थोड़ा आपको वो रख ओबीसी भी लगाना है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन, बेसिक केमिस्ट्री की नॉलेज एंड कॉमन सेंस, कॉमन सेंस को अपने पास जरूर रखना है एमसीक्यू को सॉल्व करते वक्त। नेक्स्ट चीज है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त कि कुछ डायरेक्ट वैल्यूज होती है, कुछ डायरेक्ट फॉर्मुलाज होते हैं डिस्पाइट ऑफ डेराइविंग। हम लोग क्या करते हैं, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो हम लोग डेराइव करने लग जाते हैं कि वी विल डेराइव। सो आई सजेस्ट कि डोंट डेराइव, जस्ट लर्न, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता कि आप एग्जाम में बैठे डेराइव करो। तो हमेशा डायरेक्ट वैल्यूज को याद रखो, याद रखने का तरीका ये होता है, फॉर्मूला शीट्स बना लो, फ्लैश कार्ड्स बना लो, चीट शीट्स बना लो। मेरी क्लासेस में आपको सारे चीट शीट्स, फ्लैश कार्ड्स, माइक्रो नोट्स, फॉर्मूला नोट्स सब मिलेंगे। ओके, तो आपको सारे, आपको एक तरह के रिएजेंट्स के सारे फ्लैश कार्ड्स या चीट शीट्स होने चाहिए, आपके पास सारे कच्चा ट्रिक्स के चीट शीट्स या माइक्रो नोट्स होने चाहिए, सारे फिजिकल के फॉर्मूलाज एक जगह पे कंपाइल्ड वे में लगे हों। अब हमको वो जो बड़ा सा वो जो बिग पिक्चर है, मतलब जो बहुत बड़ा सा हमारा थियरी है, वो नहीं पढ़ना है बैठ के। हमने एक बार पढ़ लिया उसको, अब हम कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाएंगे, उसके लिए मेरे पास माइक्रो नोट, चीट शीट्स, फॉर्मूला शीट्स ये सब होने चाहिए। अब इनको मैं बार बार सुबह शाम को रिवाइज करूंगी और इनको फिर मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे अप्लाई करूंगी, बिकॉज अल्टीमेटली मेन वन एंड ओनली वन फंडा इज दैट इज प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। क्योंकि ये भी एक साइकोलॉजी है कि 90% जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, 10% वेरिएबल होता है। तो 90% जो सेम कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो वो हम 99% एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हैं, पर वो जो 10% क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे कॉन्सेप्ट जो हमने नहीं पढ़ा उससे आते हैं, वो 90% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, 90% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। तो हमें उस साइकोलॉजी को, एग्जामिनर की साइकोलॉजी, स्टूडेंट की साइकोलॉजी एंड उस एग्जाम प्रेशर को देखते हुए इस चीज पे कंक्लूड करना है कि हमें डायरेक्ट वैल्यूज को याद रखना है, फॉर्मूलाज को, फ्लैश कार्ड्स को, चीट शीट्स को अपने पास हमेशा रखना है, बार बार उसको रिवाइज करना है। एंड यस, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई क्वेश्चन बैंक को उठा के सॉल्व मत करो, पीवाईक्यू जितने हो सके, नेट, गेट, जैम, जेई, नीट, जिस भी लेवल के, डीयू, बीएचयू, सीयूसीटी, एक्सेट्रा, एचसीयू, जितने भी क्वेश्चन आपको मिले हर पैटर्न के, हर तरीके के, जितनी बार साइक्लिक वे में सॉल्व कर सको विद साइक्लिक रिविजन ऑफ माइक्रो नोट, चीट शीट्स एंड फॉर्मूलाज, उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं एमसीक्यू को सही करने के,
उनको अपनाओ, 15 डेज करके देखो, कम बैक टू द वीडियो, कमेंट डाउन दैट यस दिस टेक्निक वर्क. ओके, सो सी यू इन माई क्लासेस. टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय. एग्जाम्स लाइक आईटी जैम रिक्वायर्स परफेक्ट स्ट्रैटेजी, परफेक्ट एग्जाम पेपर एनालिसिस, स्मार्टेस्ट हैक्स टू क्रैक आईटी जैम. Right? So in my classes in an academy, you'll get exact paper analysis, theory lectures according to the papers which I have already analyzed, question lectures, flashcards and mind maps to, you know, simplify your learning, smart tricks and hacks to solve your questions in a very, you know, simplistic manner and in few seconds, dedicated doubt clearing sessions, dedicated PYQs and expected questions, motivational lectures, regular weekly quizzes and test series, daily practice problems, and along with that, championship test. That is 3 hours dedicated. Every Sunday you will get that test. So overall, this pattern will help you crack your dream IITs with a very, you know, low rank, that is single digit rank or double digit rank. So for more info, you can contact the below given number. Thank you.